मेरी जात दे इतमाद की तय, तो दुआ करो अल्लाह ताला खैर रखे। जिस तरह पिछले 20 साल अपने तमाम दोस्तों के इतमाद से पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला अगो भी हिम्मत दे कि तलत शाह साहब भी जेड़ी उम्मीदा जेड़ी तवक्कुआत जेड़ी सोच लेके साडे नाल शामिल होए ने असी इन्हां दी तवक्कुआत ते पूरा उतरे। इत्थे बार बार गल हो किसी स्टेज ने की है किसी मेरे कन्ना च की है कि साडा ख्याल रखे, मैं समझ नहीं आता कि ख्याल रखने की डेफिनेशन की है। सन 2002 जो मैं अपनी सियासत का आगाज किया है, खासकर नौजवान नसल का पता नहीं है कि आज तो 20 साल पहले 15 साल पहले इन्होंने इलाकों के हालात की है। जो मैं पहली बार सियासत आया है तो इतों के लोग जो नाला बनाओ पानी आ जाता है तो इलाके आपस कट जाते हैं, बीमार मरीज जेड़े उधर नहीं जाते, बच्चे के स्कूल मिस हो जाते। अल्लाह ताला के करम नाल सब तो पहले इस इलाके खानपुर का पुल बना के लोगों की जिंदगी आसानियां पैदा की थी। फिर खानपुर तो दो तालियां एक पगडंडी जी रोड है 10-12 फुट की, अपने हर अखबार कोशिश करके डबल करने असि कामयाब हो। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल पिछले बजट जो 2 महीने वास्ते साड़ी हुकूमत आई है उन्होंने 2 महीनों जेड़े मैं प्रोजेक्ट हासिल करने कामयाब होया। खानपुर डोकालिया कारपेट रोड चुआ चौक तो चुआ सैजन शाह की रोड गाजियाल का पुल सब तो इम्पोर्टेंट रोड जिदे हालात इंतहा खराब है, मिनाला रोड तो लैके पिट जी रोड है जेड़े लोग उस पास जाते हो गए उनके हालात इंतहा खराब है। ये 4 स्कीम पिछले साल के बजट 2 महीने की हुकूमत मैं पवाने कामयाब हो गया। लेकिन मैं सलाम पेश करता पीटीआई के अहदेदारा उन्होंने लीडर कि जिन्हें आपके 4 साल इलाके की डिवेलपमेंट कोई किरदार अदा नहीं किया उन्होंने पूरी कोशिश करके गाजियाल का पुल जी डंडोत वाली रोड है उस पंजाब के बजट नैगेटिव लिस्ट पवा दिता कि यह रोड ना बन गया, क्योंकि उन्होंने आप 4 साल कोई काम नहीं किया उन्होंने कहा यह रोड बन जाएगी तो लोगों की जिंदगी आसानी हो जाएगी तो लोग शायद मतलब तदबीर असर की तरफ ज्यादा मायल ना हो जाए। उन्होंने अप्रूव प्रोजेक्ट उन्होंने जो हुकूमत वापस आई तो उन्होंने उस नैगेटिव लिस्ट करवा दिता। अल्लाह ताला के फजलो करम नाल हुण दोबारा सा मौका मिले हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैनू कभी उम्मीद है कि हुण जिहड़ा असीं 3 जून का बजट दोबारा पास कर रहे हैं, मैं चेयरमैन पीएनडी ने गल एडवांस इंशाला कर ली है, उन्होंने मैंने यकीन दहानी कराई है कि डंडोर पिट जी रोड है उस इंशाला असं नैगेटिव लिस्ट चो पॉजिटिव लिस्ट इंशाला इस बजट दोबारा पार करांगे और इंशाला जल्द ही वो कामों का इंशाला आगाज भी हो जाएगा। मैं हम इस इलाके के छोटे कामों नहीं जाता स्कूल कॉलेज जो मैं सियासत शुरू की इतने प्राइमरी स्कूल है मिडिल हो गए कुछ हाई हो गए कुछ हायर सेकेंडरी हो गए लंस मोटी गल है कि लोगों की इज्तिमाही जिंदगी बेहतरी पैदा करने की कोशिश की है। तकिया शाह मुराद का पुल जिथे एक बच्चा एक गड्डी एक्सीडेंट के बाद उथे अमवात हो गई उथे मैं वादा किया है कि इंशाला यह पुल भी असं बनावे, न सिर्फ असं वह पुल बनाया बल्कि आज असं शाहपुर शहीदा ताई एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। शाह साहब ठीक आखते हैं तलत शाह साहब कि बाहरों की हालत ठीक है अंदरों अगर शाहपुर शहीदा की हालत खराब है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं है, वो जिम्मेदार तुम आप हो। अगर तुम लोग इज्तिमाही तौर पर इसी तरह आपने इन चीजा की काबज की होती अज असी इस देश के यह गल सुनते पे हो। अगर खानपुर एक जदीद सीवरेज सिस्टम 16 करोड़ का पाया तकलीफ तक पहुंच सकता है तो शाहपुर शहीदा के मुकाबले एक छोटा गिरा है और ये मसाइल हल करने को इतना ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही है। लेकिन मैं समझता कि आज अल्लाह ताला तलत साहब एक फरिश्ते की सूरत भेजे मैं इतने बह के महसूस कर रहा है कि इंशाला अजकल का यह जरा कट है और तलत शाह साहब की जी शमूलियत है इंशाला शाहपुर शहीदा के आने वाले वक्त एक टर्निंग प्वाइंट साबित होगा। जिस किस्म की उम्मीदा तवक्कुआत तुसी लेके बैठे और बिलखसूस सैयद तलत अली शाह साहब देखो ना तलत साहब को एक आसान मौका है अल्लाह ताला इलाके से बड़ा करम किया है इस नामबार टिके रहा अपने इलाके की तरफ रुख ना करन इन्हों की सेहत से कोई फर्क नहीं पाता, अगर इन्हों दिल गल आई है तो अल्लाह ताला पाता है
अल्लाह ताला है ना तुहाडे कोल मोड़ के आंदा है और इंशाला इन्हां दा इत्थे मुड़ना और अज दा इकट्ठ और तुसा लोगों का प्यार मोहब्बत इंशाला 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 आने वाले वक्त कोई ना कोई इस इलाके बेहतर रंग दिखाएगा और इंशाला इस इलाके की मजीद तकदीर भी बदल लेके इंशाला अल्लाह ताला साडा साथ है। इस स्टेज से मैं और अपने पुराने साथी मुशरफ साहब मंजूर शाह साहब जितने लोग साढ़े चलते रहे ने अपना महदूद उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का भी मैं सलाम पेश करता अल्लाह ताला हर काम में इन्हें इस्तेकामत दिखाइए इनकी शायद इस्तेकामत देख के भी तलक शाह साहब महसूस किया जो तो यार बंदे नहीं टूटते इतने बुरे हालात तो बाद भी अल्लाह ताला उन्होंने दिल च पाई उन्होंने साढ़े से इतमाद किया तो मैं उन्होंने शुक्रिया अदा कर चौधरी इमरान साहब मेरे भाई ने उन्हें इस देश को तो गल करने की जरूरत नहीं है चूंकि 20 साल का मेरा अमल उन्होंने भी सामने देखो बल्कि तकदीर इसने एक गल ही सीखी नहीं कि पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोलना जिदा काम हो सकता है उदा काम किया है जिदा काम नहीं होगा उसका मुंह से दसिया कि तेरा काम नहीं होगा अगर मलिक तकदीर असलम सीमेंट फैक्ट्रिया के हाके चाहता तो वही गल नहीं है सीमेंट फैक्ट्रिया कदों की लग चुकी होगी मलिक तकदीर असलम पहले दिन तो और जिस नैगेटिव जोन का इन्हें गल की ना बारूबात होनी चाहिए मगर तुम मेरे इलाके दे हो मैं थोड़े इलाके लेता ना तो शाह सेंटर का स्टेज तलाश करने की जरूरत नहीं है तुम मैं बशारत के मकाम के लिए पूछ सकते हो या मैं इनवाइट करके पूछो कि मलिक तकदीर असलम थोड़ा कोई किरदार है या नहीं है वह मलिक तकदीर असलम ही है जिस उस नैगेटिव जोन आ पिछले दौर हुकूमत ने जितना छिकन का है छिकया ताकि ज्यादा तो ज्यादा साढ़े इलाके महफूज हो जाए लेकिन उस टाइम यह अंदाजा नहीं है कि सीमेंट फैक्ट्रियां कोई इस पास भी आ रही है असि जितना उसकी बाउंड्री चेक करते और अगर तुम्हें कोई शक है उसके कागज चाहिए ने हमारे तकदीर असलम ही है जिस कैबिनेट मीटिंग इस पॉइंट को उठा के अल्लाह के फजलो करम ने बहुत सारे इलाके सीमेंट फैक्ट्रिया तो निजात दिलाई अगर तुम मैनू किसी मकाम से ना पूछो मैनू बुलाओ नहीं कि घर बह के अंदाजे करते रहो तो माजरत नाल मैं पहले गल कर दी है मैं या होता या नहीं होता उस पास होवांगा तो तुम उस पास भी वाजे नजर आएगा और फिर चौधरी इमरान साहब वो बंदे ने जिन्हें एक तजर्बा किया हो उन्होंने एक अरसे एक मैं रोड से खड़े हो गए मैं किसी पास होर जा रहा आना मेरे नाल अपने जनाह की पानी की गल की मैं रोड से खड़े खड़े इन्होंने गल सुन के ऐलान किया तो चौधरी इमरान साहब तुम मेरे भाई हो इंशाला इंशाला जा मैं किधर हो रहा लेकिन पानी थोड़ा पैदा आ गया और अल्लाह के फजलो करम के नाल इन्होंने किरान का हरवाल का मुलका आबादियों का असी पानी का मसला वादा किया तो आबादियां पूरा करके देगा मैं अपनी तसलियां देने का कायल नहीं हाँ इतना ही दस सकता कि मैं जिस न होना उस न होना जिस न नहीं है मुंह चो कढ़ दी है मैं सीमेंट फैक्ट्रिया का मुखालफा तो मेरे सारे दोस्तों पता है हर वक्त अजकल नवा जमाना आ गया सोशल मीडिया का थोड़ा मौकफ नहीं आया और भाई मैं पूछू मेरे को मैं बुलाओ मैं थोड़ी किसी तकरीब ना आवा पिछले साल मेरे को वफद आया कि सराई तो आड़ा असी 25 करोड़ जाती इकट्ठा किया सड़क बनाना चाहते हैं मैंने तो वह भी नहीं पसंद आई कि अगर अल्लाह ताला मैं मौका देता है मैं क्या 25 लाख रुपया तो अपना खोल रखो इंशाला कल तो थोड़ी सड़क की रिपेयरिंग का आगाज हो जाएगा तो क्या रिपेयरिंग शुरू हुई है नहीं शुरू हुई तो अल्लाह ताला के फजलो करम नाल इंशाला इलाका जंगल है इतने बैठे है उन्हें मैं तसली कराना चाहना कि इंशाला मेरे जेड़े अगले ख्वाब ने अल्लाह ताला अगर मैं मौका देता तो सलाई तो आड़े तक कारपेट रोड बनाना सलोई तो गरीबाल आ मिलाना ए मेरे प्राइटी एजेंडे शामिल है और इंशाला इलाका जंगल आ मैं हमेशा अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी है तो इंशाला अगो भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करता रहा अज आदे हो सैदपुर आया रस्ता डक लिया एक तो यह बड़ी मजे की गल है ना कि पिछले 4 साल जिन्हें कोई काम नहीं किया ना उन्होंने कोई गिला ना कोई शिकवा जिहड़ा बंदा काम करता है लत्ता भी उहदियां ही छिकिया करदा कोई मैं अखबार च नहीं पढ़िया कि 4 साल च दीवार गिर गई है कम्यूनिटी अपनी पदाधार के तहत कोई जनाजागाह बना रहा है कोई दीवारा बना रहा है कोई कुछ बना रहा है तो मलिक तकदीर असलम दोबारा आता गया है तो उसके गिले की शिकवे शुरू हो गए हैं इंशाला सैदपुर आ लिया थोड़ी दीवार में देखिए थोड़ा मसला जायज है अल्लाह ताला का हुक्म होया तो जी दीवार का मसला है वह अल्लाह ताला का हुक्म होया तो जल्द अज जल्द इंशाला उसका हल कर देते हैं।
मैं इस प्लेटफॉर्म तो चुके हूं, टाइम भी बड़ा करीब आ गया, आखिरी मुकर्र आ बड़ा थोड़ा मौका मिलता है। मैं तलत साहब आ उन्हां दी तमाम बिरादरियां उन्हां दे खानदान आ इस गल की तसली कराना कि मैं बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे लोग जेडे घरों खुशहाल होते ने उन्हां दी फिर कोई लालच नहीं होती। जेडे बंदे घरों खुशहाल होते ने वह आवाम का दर्द आवाम की बेहतरी उन्हां दी तामीरों तरक्की एक लैवल तो अगे वध के कॉन्ट्रीब्यूट करने की शुरू कोशिश करते ने। इंशाला तलत शाह साहब जिस किस्म का इजहार किया है और जिस किस्म की उन्होंने रिसर्च की है अलहमदुल्ला 21 साल का रिकॉर्ड इस गल की गवाही भी देता है और हमेशा इस प्लेटफॉर्म तो हर प्लेटफॉर्म तो अपने आप का एहतसाब वास्ते पेश भी किया है कि खुदारा भी 21 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है किसी बंदे जज करने वास्ते। खुदारा मेरा एहतसाब करो, पंजाब जाओ, लाहौर जाओ, महकमे जाओ, लोगों को पूछो, सरकार को पूछो कि क्या मलिक तकदीर असलम पिछले 20-21 साल सियासत के हवाले नाल किसी हुक्मरान का किसी महकमे का किसी का एक भाई का भी रवादार है जाए। और अगर थानू किसी पास साबित हो जाए तो मैनू दसना मैं सियासत छोड़ दा। मैं सियासत अजकल गल पचौड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं अपने बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार नाराज कर चुका क्योंकि हुण साडा माशरती ट्रेंड है बन गया है कि हुण गुनाह ना करना ताना बन गया। बहुत सारे दोस्त मेरे नाल आके इस गल ते भिड़दे ने कि अगर गलत काम नहीं करना ने तो फिर सियासत कर किस वास्ते करे। खुदा दे वास्ते मुसलमान होने की हैसियत नाल सियासत असीं इस वास्ते कर रहे हैं कि कल इन चीजा का हिसाब देना है। अगर अल्लाह ताला मैनू इज्जत दिती है तो मेरे सिर उत्ते कोई दो सिंह नहीं लगे हुए, ये अल्लाह ताला दा करम है। मेरी कोई औकात मेरी कोई हैसियत नहीं है लेकिन कल जब अल्लाह की अदालत पेश होना है तो मेरा हिसाब तुसा लोगों को ज्यादा होगा मुसलमान होने की हैसियत नाल क्योंकि इस दुनिया मेरे को इख्तियार आया तो मैं हर काम यह सोच के करता कि कल खुदावन करीमा हर चीज का हिसाब देना है। तो दुआ करता कि अल्लाह ताला ना सिर्फ मैनू इस दुनिया भी सुरखरू करे बल्कि आखिरत भी अल्लाह ताला तो मैं उस किसी चीज तो बच जावा अल्लाह ताला मेरे को राजी भी करे क्योंकि सियासत इबादत है और अलहमदुल्ला पिछले 20-21 साल तो सियासत इबादत समझ के ही कर रहे हैं और चैलेंज करके कर रहे हैं। चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं रवायती सियासतदान नहीं हाँ कि सिर्फ स्टेज के ऐलान कर देता है। ओपन चैलेंज ले जाओ, तसली करो, तहकीक करो, जस्तजू करो। मलिक तनवीर असलम उन्हें महकमे का वजीर है जिन्हें महकमे का बंदा एक बार वजीर बने तो अगली 9 मसला संभाल लेता है। तो मैनू अल्लाह ताला दिन मांगे एक महकमा नहीं चार चार महकमे देते तो चार महकमे तो बाद ही जाके तसली करोगे मलिक तनवीर असलम उन्हें महकमे का कैसा बर्ताव किया, पंजाब नाल कैसा सलूक किया, अपने हल्के की आवाम नाल कैसा सलूक किया। और अल्लाह ताला दा करम है कि 2018 जे इलेक्शन है जो तो पिंडी डिवीजन है साड़ी पार्टी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकी उसे लोगों की मोहब्बत नाल इतमाद नाल अल्लाह ताला असा 2018 जे मुश्किल इलेक्शन भी कामयाब किया। ये अल्लाह ताला दा करम है और लोगों की दुआवां है या साडा कोई उद्देश कमाल नहीं। तो मैं आखिर दोबारा कल अच्छा साहब इंशाला देखो मैं बहुत सारी गल्ला सुनता पिया और यह गिरावा प्रॉब्लम होती है। असी भी बड़ी सौखी कराची जिंदगी गुजार रहे, मेरे वालद साहब के दिल च भी ख्वाहिश पैदा हुई कि यार अल्लाह ताला मौका देता है थे अपने इलाके वास्ते कोई कॉन्ट्रीब्यूट करे। मैं बचपन तो देख रहा कि लोग कम करने लाले की लत्ता छिड़ते हैं। शाहपुर शहीद वाले हो यह मौका तुहानू दोबारा नहीं मिलना, ऐसे बंदे की कदर करो। इन्हें जिहड़ी गुफ्तगू की है मैं बड़े बगौर सुनता रहा उहदे मैनू कोई गरूर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिहदे च मैनू यह नजर आ रहा हो कि सियासत किसी मनफी एजेंडे दिखा रहे हैं। इस चीज का कैश कराओ, यह कदी कदी मौका मिलना ने। अगर यह बेहौसला हो गए, अगर तुम्हें हौसला अफजाई ना की ए चले गए कहना कोई नुकसान नहीं होना, नुकसान तुहानू होना है तुहाड़ी आने वाली नस्ल आना है। इस गल का एहसास पैदा अपने अंदर करो। मैं कोई आपकी सियासत वास्ते नहीं कह रहा कि कल मैनू इतने कोई 40 वोट ज्यादा मिल जाएंगे, नहीं। थोड़े इलाके थोड़े इस इलाके वास्ते ऐसी शख्सियात की हौसला अफजाई करना जरूरी है। इधर जी थोड़ी आने वाली नस्ला की बेहतरी उदाहरण इन्हें एहसास करो। मलिक तनवीर असलम अल्लाह ताला जगाना आ पिशा को सहीदा लिया इन्हें कारपेट रोडा तो बाद भी मैनू इस काबल नहीं समझिया और आके मुल दिता तो अल्लाह ताला किसी होर पास सबक बना दिता दूसरा जिता के तार काट दिता। लेकिन ऐसे बंदे मुड़ के चले गए तो फिर थोड़े बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी।
मैं आखिर दोबारा तमाम दोस्तों का माशाल्लाह शाह साहब पहला इकट्ठे किए तो ना सिर्फ शाहपुर सहीदा बल्कि तमाम दोस्तों मुलाकात करा देती है। इतने झगड़ की नुमाइंदगी खान नदीम साहब के भाई नईम खान साहब भी बैठे ने, नकीम साहब भी बैठे ने, मजहर साहब भी बैठे ने, सारे साहब भी बैठे ने, राजा इरफान रुगी साहब माशाला बड़े अरसे बाद पहली बार साढ़े जलसे च आए ने, उन्होंने भी मैं खुशामदीद कहना। राजा अरशद रुगी साहब, हाजी परवेज साहब, चौधरी उल्फत साहब बीमारी की हालत इतने तशरीफ लैके आए ने, चौधरी इरफान साहब चेयरमैन करियाला ने, चौधरी रियाज गुजर सुहावा गढ़, राशिद मीना सहबाल, चौधरी रमाइयो साहब भी आज बड़ी मेहरबानी की थी कि इन्हों के जाके साके ले गए ने। चलो इन्ना टूरना शुरू कर देते हैं, बड़ी खुशी की गल है। जी मंजूर शाह साहब स्कूल की अग्रेडेशन की गल की कि शाहपुर चाहिए बच्चिया का हायर सैकेंडरी होना चाहिए। देखो शाह साहब हमने निगरान हुकूमत है, इस गल का मैं थोड़े ऐलान करता कि तलत शाह साहब की शमूलियत अज इंशाला अल्लाह तला असा हुकूमत दिखती जदों भी असा मौका मिलिया असि प्रायरिटी शाहपुर चाहिए बच्चिया के स्कूल हायर सैकेंडरी का ऐलान कर और इंशाला पाया तकदीर तक पहुंचने तो बाद शाह साहब मैं तस्वर कर रहा हूं इंशाला ऐसा ही होगा तो उस प्लेटफॉर्म को असि फिर अगले मसाइल की इंशाला गल करेंगे। तो मैं राजा इशफाक साहब का शुक्रिया अदा करता, यह भी शरीफ आदमी ने इन्हों की खुशी होनी चाहिए कि तलत शाह साहब जैसी सूरत देखी उन्हें भी एक अपने जहां बंदा मिल गया है। इन्हों की पिछले 15-20 साल तक अपनी अच्छी कावश की थी, अपने इलाके की खिदमत की थी। मलक अमर सिंघी साहब बैठे ने, मुशरफ साहब चूंकि आपने बुकला की ज्यादा परेशानी है ना, इन्हें समझा भाई वकील साढ़े भाषण का साढ़े मैं सारे का ना लेना इस्लाम सानी के साथ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी है, कुछ जलाली साहब बैठे ने, आपने जुबैर साहब बैठे ने, आप माशाला साहब बैठे ने, राज आज दोस्तों की करी भरपूर फौज आई है। तलत शाह साहब पता नहीं कोई खास तरीके का इनविटेशन दी है, इतने भरपूर तरीके शाह जी इकट्ठ नहीं आता, लेकिन थोड़े को उस बुलाने बरकत है। त्रिमणी तो साढ़े माशाला असा जरा खतरा है और थोड़ी वजह न जड़े असद उमर साहब ने और जड़े समझ लेते हैं समझ आएंगे शाह साहब की वजह जुबैर साहब या साड़ी है असद उमर का जो खतरा आया वो हम टल गए थानू समझ नहीं आएगी असा समझ आ गए। तो मैं आखिर राजा इशफाक साहब मलिक जफर साहब माशाला इस इलाके की इस मरकज की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। शाह साहब तुसी भी इन्हें सारे दोस्तों मिलकर अगर तुसी लोग सारे मिलकर काम करोगे तो इस इलाके ऐसा बड़ा अच्छा असर होगा। आखिर दोबारा तमाम बुजुर्गों दोस्तों का बिलखसूस कल्याण शाहपुर सहीदा का और साढ़े भाई तलत शाह साहब का दोबारा दिल की गहराइयों को शुक्रिया अदा करता और दुआ करता कि इंशाला ऐसी दौड़ता लगिया रासा तो साड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी जैसी खुदावंत करीम बड़ा हावी।